चलिए अभी हम लोग ट्रैकमैन 4 सिविल इंजीनियर से बात करने जा रहे हैं। मैं रविल कुमार और मेरे साथ कैमरामैन है दीपक कुमार जी, सॉरी धर्मेंद्र कुमार जी। आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दीपक कुमार जी से। चलिए अब अपना थोड़ा डाटा दीजिए। हाय, मैं रेलवे एम्प्लाई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मैं इस समय ट्रेनिंग कर रहा हूँ जो 21 दिन की है। एक हफ्ता बीत चुका है और आगे कंटिन्यू चल रही है ट्रेनिंग। बहुत मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग करने में, जॉब करने में भी मज़ा आएगा। थैंक यू। और ये बताइए कि अभी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए आप क्या क्या मतलब आदेश देना चाहते हैं? यही तैयारी कि अपने वो मार्ग से विचलित ना हो, अपनी ड्यूटी के साथ साथ तैयारी आगे बढ़े करें और आगे सफलता उन्हें निश्चित ही मिलेगी। और किस तरह से उनका तैयारी, मतलब सेट प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए, पर डे सेट प्रैक्टिस करना चाहिए या ना करना चाहिए, कैसे डिस्कशन वगैरह क्या, ये सब कुछ बताइए। बिल्कुल, आप अगर डिस्कशन, अगर ग्रुप स्टडी करेंगे साथ में सभी से डिस्कशन करके, तो आपका कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, उसको फिर याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा। चलिए, अभी क्या पढ़ाया? ट्रेनिंग में रेल पथ के बारे में बताया जा रहा है और प्रिकॉशन जॉब के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है कि पहले अपनी सुरक्षा फिर रेल की सुरक्षा, उसके बाद में हम जैसे ड्यूटी कंटिन्यूटी करते रहेंगे इसे। चलिए गुड, दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और आते हैं, बात करते हैं पाउस की। चलिए एक और साथी से बात करते हैं। चलिए आप अपना इंटरव्यू दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम चिराग गौतम है और मैं यहाँ पे ट्रैक मेंटर 4th के जो है पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है नखलाऊ डिवीजन में जो है, और इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है थर्मेट वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर। और हम यहाँ पे क्लासरूम में जो है भाई डिलीट कर। ये भाई हमारे हैं नितीश भाई। हाँ भाई, कुछ बताइए आप, आपको क्या ट्रैक मैन में क्या सीखने को मिल रहा है ट्रेनिंग में? यहाँ पे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड सभी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, जो कि ट्रैक पे जाके हम लोग अपनी सुरक्षा कर सके, रेल की सुरक्षा कर सके, और रेल पर जाने वाले मालगाड़ियों और पैसेंजर जो जाते हैं उनकी भी सुरक्षा कर सके, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ में ट्रेनिंग में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा सीखने में? यहाँ पे जो सेफ्टी से रिलेटेड पेट्रोलिंग वगैरह बताई जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सिविल वाला पुलिस हो गए हैं, ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना वीडियो बंद करते हैं क्योंकि सर आने वाले हैं। धन्यवाद।